सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में अध्ययन कर चुके सफल विद्यार्थी अमित भोई व सुमित भोई अपने पिता के साथ अपने संस्थान पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने कॉलेज के डायरेक्टर का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। वहीं पिता ने डायरेक्टर का आभार दिल से जताया। बीते 30 सालों से सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने हजारों विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देते हुए इंजीनियर डॉक्टर बनने का उनका सपना साकार किया है। ऐसे ही अपनी आंखों में डॉक्टर बनने का स्वप्न लिए सरायपाली निवासी दो भाई अमित भोई व सुमित भोई ने अलग अलग समय में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में एडमिशन लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। हम बता दें, पिता कृषक रविंद्र भोई जब अपने पुत्रों के साथ सचदेवा कॉलेज पहुंचे और डायरेक्टर चिरंजीव जैन से भेंट की तो वो पल अविस्मरणीय था। अपने दोनों पुत्रों की सफलता का पूरा श्रेय वे कॉलेज को देते नजर आए और खुशी से उनकी आंखें नम रही और संस्थान व डायरेक्टर की प्रशंसा करते वे थक नहीं रहे थे। आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम रविंद्र भोई है। मैं सरायपाली विकासखंड ग्राम अर्जुंडा से एक छोटा सा कृषक हूँ और सचदेवा कॉलेज में पहले मेरे बच्चों को एडमिशन लेने आए, जो कि बड़ा बच्चा 2016 में यहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट करके MBBS की तैयारी हो गई। और दूसरा बच्चे को मैं डाला, वो भी 2022 में कंप्लीट, उसका मतलब MBBS का कोर्स पूरा करके निकल चुका है। यहाँ की हर चीज़ें, हर मतलब जितना भी जो मेरे बच्चे लोगों को मिला, मैं बहुत खुशी था, आज भी खुश हूँ, आगे के लिए भी खुश रहूँगा। मैं हर बच्चों के लिए, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ, आपके यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो भी अपना कार्य मतलब पढ़ाई करके निकलें, उनके माँ बाप की आशाएं पूरी हो, यही मेरा मनोकामना है, उनके लिए आशीर्वाद है। अब मेरा तो जो था इधर से भी जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, तब कहीं मेरे बच्चे यहाँ से पढ़ाई करके निकल चुके हैं, ये मुझे बहुत खुशी है। जी बताएं। हाँ, मैम, जब मेरा पहला अमित भाई पढ़ाई के लिए मेरे को बोलता था कि पापा मैं पिलाई जाऊंगा पढ़ने बोल के, मेरे को इसके ये इस बारे में कुछ ये नहीं था, मतलब ज्ञान नहीं था कि क्या पढ़ेगा मेरे बच्चे, क्या करने पढ़ाई करने क्या पढ़ाई करेगा, ये मेरे को सब आइडिया नहीं था। जब आपका सचदेवा कॉलेज आकर के पढ़ाई किया, तब मुझे पता हुआ कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई तैयारी कर रहा है। आज एक बच्चा पढ़ाई करके दूसरा मेरा छोटा बच्चा भी यहाँ आकर के वही डॉक्टर पढ़ाई करके वो भी डॉक्टर बनने के लिए तैयार कर चुके हैं। इसीलिए आज मेरा बड़ी यादगार है सचदेवा कॉलेज का, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे जीवन के लिए, क्या बोलूँ, कहने लायक शब्द नहीं, ये मुझे बहुत खुशी है। और ये दोनों बच्चे यहाँ से निकल करके जो डॉक्टर बन गए, आज मैं गंगा नहा लिया। वहीं सचदेवा कॉलेज पहुंचने पर दोनों पुत्र जो यहां अध्ययन कर चुके हैं, अमित भोई और सुमित भोई, दोनों ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और अपने उन अनुभवों को हमसे साझा किया जो कोचिंग के दौरान उन्हें यहां पर हुए। मेरा नाम डॉक्टर अमित भोई है, मैं अभी CSE सरायपाली में पोस्टिंग हूं। मैं यहां सचदेवा में 2013-14 से कोचिंग स्टार्ट किया था और 2016 में मैंने MBBS में एडमिशन लिया रायगढ़ मेडिकल कॉलेज से, और मेरा छोटा भाई भी यहीं से ही कोचिंग करके 2022 में उसका सिलेक्शन हुआ, अभी रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। यहाँ के हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ की जैन सर, चिरंजीव जैन सर, उनकी काउंसलिंग, उनका मोटिवेशन सबसे अच्छा रहता था। जैसे मार्क्स कम आ गए या टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो उनको अलग से कैबिन में बुलाकर उनको अलग से मोटिवेट करते थे सर। वो एक अलग ही वो रहेगा, उसको शब्द में नहीं बता सकते, वो अलग ऐसा एहसास है जिसको कॉलेज का बाहर ऐसे शब्दों में तो नहीं बता सकते। काउंसलिंग में मेन तो सर वो पत्थर और मूर्ति वाला जो आप बताते थे सर, कि एक बार उसको बता, हाँ, एक बार चिरंजीव जैन सर के साथ हमारी काउंसलिंग हुई थी तो सर हमेशा बताते थे कि एक पत्थर और मूर्तिकार वाला बताते थे कि जो एक पत्थर को मूर्तिकार लेके जाता है तो उसको हथौड़े और छेनी से मारता है तो वो बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसको नहीं बनाते। एक दूसरा पत्थर बोलता है मैं दर्द सहूंगा, वो करूंगा,
तो उसको मूर्ति का लेके जाता है, उसका मूर्ति बना देते हैं। तो वो वाली मूर्ति, वो वाली पत्थर को मूर्ति बनाते हैं तो उसकी पूजा होती है, और दूसरे वाले जो पत्थर रहते हैं उसको सीढ़ियों में रख दिया जाता है, जिससे उसके ऊपर पैर रख के दूसरे पत्थर की पूजा करने जाती है। मैं दूसरा वाला पत्थर महसूस कर रहा हूँ, चिरंजीव जैन सर के बातों से मोटिवेट होकर आज मैं उस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि दूसरा वाला पत्थर उनकी पूजा पाने लायक। समाज में जैसे बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। मेरा नाम सुमित भोई है, मैं 2022 बैच जेएमसी रायगढ़ में मेडिकल स्टूडेंट हूं, और मैं सचदेवा 2019 में आया था। यहां का अनुभव बहुत ही अच्छा था, यहां के फैकल्टी स्टाफ चिरंजीवी सर का मोटिवेशन बहुत ही अच्छा, समय समय पर वो मोटिवेशन देते थे, बच्चों को बिठा कर समझाते थे अच्छे से, जैसे मार्क्स भी कम आए तो उनको प्रेरित करते थे कि नेक्स्ट टाइम अच्छे से परफॉर्म कीजिए, और टाइम मैनेजमेंट के लिए भी वो अच्छे से बताते थे। हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। हाँ, जैसे मैंने चिरंजीवी सर से पूछा था कि अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो सर ने बताया था कि हम जो थोड़ा सा सोते भी हैं या खाना भी खाते हैं तो हम उसी पढ़ाई के लिए ही कर रहे हैं, तो अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं है, आप जो कर रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए ही कर रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी सर की, बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा वो, क्योंकि जब उसी कॉलेज का छात्र मुख्य अतिथि के रूप में आता है तो उसकी खुशी एक अलग ही अनुभव की है, तो ऐसा कभी पल आए तो बहुत ही खुशी होगी। ये उनको मैं तो बोलना चाहूँगा कि सचदेवा ही अच्छा है, और सेवा अपने तरफ से जो होगा वो देना चाहूँगा उनको। नहीं, मैं अपना जो कुछ होगा सेवा उन्हें निस्वार्थ भाव से दूंगा अपने क्षेत्र को, और प्रेरित करूँगा कि वो भी निस्वार्थ भाव से अपना समाज को सेवा दें, यही बोलना चाहूँगा। सचदेवा, जैसे मैं हिंदी मीडियम से रहा तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा है, सचदेवा बहुत ही अच्छा है, और ख़ासकर यहाँ के फैकल्टी सर की गाइडेंस और स्टाफ सब एकदम फ्रेंडली रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा बोलूँगा मैं उनको, सजेशन दूंगा कि सचदेवा ज्वाइन करें। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के डायरेक्टर भी काफ़ी प्रसन्न नजर आए, आखिर उनके पूर्व छात्र एक लंबी दूरी तय कर उनसे मिलने अपने पिता के साथ जो आए थे। देखिए, अमित और सुमित ये दोनों हमारे पास से पढ़े हैं, और दोनों सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज में, एक साधारण कृषक परिवार के बच्चे महासमुंद के, और आज इस ऊंचाई पर है कि एक डॉक्टर बन चुका है और एक डॉक्टर बनने की ओर है। मेरा खूब आशीर्वाद इन लोगों को, खूब ऊंचाइयों पर जाओ, खूब अच्छा करो, और अच्छा लगता है कि अपने बच्चे मिलने आते हैं फिर से जो सेलेक्ट हुए हैं, तो मन बहुत खुश होता है, क्योंकि जब इनके पीछे काम जो चल रहा था, जब इनके पीछे हमने जो भी इनकी तैयारी में हमारा जो भागीदारी रही और जो हमारा सहयोग रहा, ठीक है, इतने मैं 30 वर्षों से इस कार्य में हूँ, अच्छा लगता है जब कोई बच्चा सेलेक्ट होकर फिर से याद करता है। और सबसे बड़ी बात, आज इनके पिताजी भी साथ में आए हैं और सिर्फ मिलाने के लिए आए, तो अच्छा लगा, बिल्कुल मजा आ गया। मंजिल को पाने अथक प्रयास तो जरूरी है, वहीं शिक्षण के लिए बेहतर संस्थान का होना भी जरूरी है। तो हम बता दें, बीते 30 सालों से सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार किया है, यही कारण है कि आज यहां से प्रशिक्षित होकर निकले विद्यार्थी जो कि आज सफल चिकित्सक हैं, चिकित्सक बनने के बाद सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज पहुँचे और अपने संस्थान व डायरेक्टर का आभार और साधुवाद दिल से किया।